हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ शिवानी। और आज बात करेंगे बॉलीवुड स्टार्स और उनके रिलेशनशिप की, फिल्म शूटिंग, रोमांस और ब्रेकअप जो अक्सर बॉलीवुड स्टार्स के बीच में देखे जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि बॉलीवुड स्टार्स अपने काम पर पर्सनल लाइफ का असर नहीं पड़ने देते, और ऐसे कई स्टार्स हैं जिनका काफी वक्त तक रिलेशनशिप रहा है लेकिन ब्रेकअप के बाद भी वो एक साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। और आज हम आपको इन्हीं स्टार्स से मिलवाएंगे, इनके बारे में आपको बताएंगे। देखिए रिपोर्ट। सारा अली खान और कार्तिक आर्यन। इम्तियाज अली की फिल्म लव आजकल 2 की शूटिंग के वक्त शुरू हुए सारा और कार्तिक के बीच रोमांस अब खत्म हो चुका है। खबरों की माने तो अब दोनों के बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, लेकिन इसके बावजूद दोनों अपनी आने वाली फिल्म लव आजकल 2 को एक साथ प्रमोट करते हुए नजर आ रही हैं। फिल्म इस साल वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज होगी। शाहिद कपूर और करीना कपूर। कई सालों तक रिलेशनशिप में रहे शाहिद कपूर और करीना कपूर की खूबसूरत जोड़ी अब साथ नहीं है। खबरों की माने तो इम्तियाज अली की फिल्म जब वी मेट से ही दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। ब्रेकअप के बाद ऐसा भी कहा जा रहा था कि दोनों कभी साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन फिल्म उड़ता पंजाब में दोनों एक साथ फिर नजर आए और सब कुछ भुलाकर अपनी फिल्म को प्रमोट किया। और अब बात रणबीर और कटरीना की। रणबीर कपूर और कटरीना कैफ बॉलीवुड के हॉटेस्ट कपल में से एक माने जाते हैं। हालांकि दोनों अभी साथ नहीं हैं, लेकिन दर्शक उनके ऑन स्क्रीन जोड़ी को काफी पसंद करते हैं। कहा जाता है कि फिल्म जग्गा जासूस के दौरान ही दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी दोनों ने अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में हावी नहीं होने दिया और दोनों एक साथ अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए नजर आए थे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एनएन बॉलीवुड।